हेलो एवरीवन, सो इट्स गेटिंग कोल्ड डे बाय डे एंड दिस मफलर दैट यू आर सीइंग विच इज कंफर्टिंग माय नेक इज मेड बाय माय बिलवड मदर हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड. लॉन्ग बैक अगो आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम. Almost 45 years back, she left us, and I have preserved her memories. And you see the long-term thinking. She made it when she was suffering from an incurable disease like cancer, and from that bed where she was sick and recuperating, she made it for me, and I have preserved it for the last 45 years. It's a treasure for me. So anyway, now coming back to your questions, Sirius Brown. Sir, when whole group is insisting one person to give idea, just because he has ideas on PGT level 1, 2, 3, partially, but for the last fourth level, he couldn't think of any. And whole group is kept relying on that person and he has no idea at all. Is it a setback or negative sign? Are you that person? To me, it appears that you are that person who gave idea in first and second and third, that too you are saying partially. And no one else gave? No ideas? You see, theoretically like this in a situation, there is nothing much to comment. It's nice that a person has been judged as a leader by others. But that leader also is appearing not to be of that perfect level, but still he is better than others. That's why he is leading. It will depend upon the type of group. Maybe in this group, this person, which I assume is you, was the leader, and others were not as good or as sharp as this person. But maybe if this person is put in some other group of smarter people, then there may be some other leader. So, yes, the people who are looking at the leader for solutions, they will be disappointed. So then, what is wrong in this? And clearly it is visible, understood that this person could not give the solution of the fourth obstacle. So the level is decided. Now again, as I told in the previous video also, it is you see, it's not one test alone, whether it is psych, whether it is GTO, and in IEO, it's not one question alone, but the assessment is done in entirety. Sare tests mein aap kya kar rahe ho, ya thoda sa kam aapne kara, but in other tests, let us say you are at the top, तो इसका थोड़ा सा पेनल्टी लग जाएगा, लेकिन बाकी का वेट रहेगा. एंड देन इट मे बी डिसाइडेड वेदर यू आर रिकमेंडेड और यू आर जस्ट स्टॉप शॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन. ऐसा भी होता है, लेकिन जनरली अगर थर्ड फोर्थ में सॉल्यूशन दे दिया और बाकी टेस्ट भी अच्छा हुआ है, तो GTO टेस्ट में मोस्ट लाइकली यू विल बी रिकमेंडेड. GTO इज नॉट दैट टफ. जितना उसका शोर शराबा बनाया हुआ है, GTO कैसे करोगे, ग्राउंड कैसे करोगे, इट इज नॉट टफ एट ऑल. इट्स नॉट टफ. GTO इज सिंपल. इंडोर GTO में कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लॉजिक आपका अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अच्छी है,
तो सॉल्यूशन इज नॉट डिफिकल्ट, टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, जो टेक्निक बताते नहीं हैं। आपको ये स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ये देखो यहाँ से रखो, यहाँ पट्टा रखो, यहाँ बल्ली रखो, यहाँ रस्सी बांधो, दैट्स ऑल। तो यू जैसे मैथ्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसी तरीके से जीटीओ की टेक्निक पता होनी चाहिए, और बाकी फिर सॉल्यूशन आप वहीं निकालोगे। मैक्सिमम सॉल्यूशंस निकल आएंगे, मे बी के बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कोई बनाए, पीजीटी में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता भी नहीं है। उसके बेसिस पर फिर कमांड टास्क ज़्यादा डिफिकल्ट करा जाता है, लेकिन पीजीटी इतना इतना ज़्यादा नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। फोर्थ ऑब्स्टिकल इज डिफिकल्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडर एस्टिमेट इट उतना, लेकिन इतना भी नहीं होता कि कर ना सके कोई, बाकी लोग भी करते हैं। और अगर डिफिकल्ट मिला तो अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर यू, और उसमें भी और डिफिकल्टी बढ़ाई, देन अगेन यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर टैलेंट। लेकिन इज इट अ सेटबैक और नेगेटिव साइन? तो सेटबैक नेगेटिव साइन तो हो ही गया कि आप फोर्थ को नहीं दे पाए, फोर्थ का सॉल्यूशन, तो व्हाट विल यू से? सेटबैक तो है ही है, ग्रुप के लिए भी सेटबैक है और आपके लिए भी सेटबैक है, बिकॉज असेसर है सीन के नहीं, फोर्थ में आप नहीं दे पाए, तो आगे चल रहे थे लेकिन पीछे भी पिछड़ भी जाते हैं ना, आगे भी चलते हैं, दौड़ते हैं। रेस में आपने देखा होगा जो शुरू में लीड लेता है बाद में पीछे हो जाता है, फिर आगे हो जाता है। तो ये तो जितना एफर्ट आप लगाओगे, जितना लॉजिक होगा, उतना कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर टेक्निक आपको पता है तो ज़्यादातर केसेस सॉल्व हो जाएंगे, 100% तो नो वन केस है कि आप कर लोगे, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लॉजिक लगा के आपके हो जाएंगे। तो दिस इज वन क्वेश्चन, नाउ लेट अस सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदर्श आदर्श गौड़ा, respected sir, how to learn decision making skill? As a soldier or leader want to take instant decision, how to mold like these? As I will look demerits and merits and take decision. Please kindly give me advice sir. तो देखो, decision making आपको घर से शुरू करनी है, छोटी छोटी चीज़ों में आपको decision लेने हैं। अभी क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को बच्चा समझ के कहते हैं, अरे तुम छोड़ो, वी विल डिसाइड, वहाँ प्रॉब्लम होती है। आप छोटे से बच्चे क्यों ना हो, आपसे डिसीजन मेकिंग फैमिली से शुरू होती है, और पेरेंट्स अगर एनकरेज करते हैं, टीचर्स अगर एनकरेज करते हैं डिसीजन मेकिंग को, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और लाइफ में डिसीजंस तो आपने ही लेने हैं हमेशा, तो पेरेंट्स डिसीजन आपके लेंगे नहीं। तो मेरिट्स डीमेरिट्स होती हैं, दोनों ऑप्शंस आप वे करते हो क्या ठीक रहेगा। तो कुछ पहले सिंपल डिसीजंस लेना शुरू करो आप, सिंपल डिसीजंस, आज ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, नैरो डाउन करो ऑप्शंस को। ओके, आई विल टेक एग, वन डिसीजन यू हैव टेकन, सिंपल डिसीजंस। क्यों, मुझे कई दिन से एग मैंने नहीं खाया, इफ समवन आस्क यू व्हाई, तो आप कहो कि भाई लास्ट वन वीक आई हैव नॉट टेकन एन एग एंड आई वांट टू, आई वुड लव टू हैव एन एग टुडे, दैट्स योर चॉइस, नॉट दैट के दैट इज द ओनली करेक्ट आंसर। यू कैन टेक इडली, यू कैन टेक उत्तपम, यू कैन टेक डोसा, यू कैन टेक पराठा, यू कैन टेक सैंडविच, बट दैट इज योर चॉइस। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि मुझे ये करना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट डीमेरिट की बात नहीं आती है, इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, एग का क्या लोगे, बॉइल्ड लोगे, ऑमलेट लोगे, सिंगल फ्राई लोगे, डबल फ्राई लोगे? नाउ अगेन इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। तो यहाँ मेरिट डीमेरिट की बात नहीं आएगी, ऑल आर सेम, सबसे पेट भरेगा। तो कई सिचुएशन होती हैं जहाँ मेरिट डीमेरिट की बात आती है, जैसे ट्वेल्थ के बाद में आप बायो लोगे कि मैथ्स लोगे, साइंस आप मेडिकल ग्रुप लोगे कि नॉन मेडिकल ग्रुप लोगे, या आर्ट साइड लोगे
या साइनसाइड हो गए, ये थोड़े लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। तो इसमें आप अपना इंटरेस्ट भी है और मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें, कितनी वैकेंसीज हैं, एनडीए का डिसीजन, शुड आई गो फॉर एनडीए और शुड आई डू माई ग्रेजुएशन एंड देन गो फॉर डिफेंस, ग्रेजुएशन करने के बाद एडवांटेजेस क्या है कि आपको और बहुत सारी फील्ड्स भी ओपन हो जाएंगी, बट यू आर इफ यू आर डिटरमिंड एंड यू आर हाईली मोटिवेटेड देन गो फॉर थ्रू एनडीए। एडवांटेजेस क्या है, 400 वैकेंसी है, 300 प्लस वैकेंसीज है, तो ये मेरिट डीमेरिट आपको देखने और डिसीजन मेकिंग करनी है। लेकिन सभी के लिए बता रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग करो छोटे 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 डिसीजंस लेके, और जब आप देखोगे कि मेरा डिसीजन सही हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड देन ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू टेक बिगर डिसीजंस। चलो थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन इज भाई अगेन सीरियस ब्राउन, रेस्पेक्टेड सर, आई लेफ्ट विद ओनली टू चांसेस फॉर आईएम एंट्री, कंसेक्यूटिव फेल्स इन सीटीएस बट क्रैक्ड एफपैट सीजीएस, व्हाट वुड आई डू टू काउंटर दैट फियर ऑफ फेलिंग दैट एग्जाम अगेन, इवन व्हेन आई स्टडी दैट थॉट सडनली पॉप अप इन माय माइंड एंड गिव मी अ सेंस ऑफ इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी बात को गांठ बांध लो अच्छे से, वॉट यू हैव अचीव्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू हैव नॉट अचीव्ड। मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, हाउ डज इट मैटर, मैं राष्ट्रपति भी नहीं बन पाया, हाउ डज इट मैटर, वॉट आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन आई डिडंट ट्राई और आई डिडंट अचीव। मेरे साथ तो ऐसा भगवान की कृपा से नहीं हुआ कि आई ट्राइड एंड आई कुड नॉट अचीव, तो दैट क्वेश्चन इज रूल्ड आउट फॉर मी। ठीक है, मैं माउंट एवरेस्ट नहीं क्लाइम कर पाया, मैंने ट्राई नहीं करा, मुझे अपनी कैपेसिटी पता थी। तो आप ये देख के चलो कि पहले तो अपनी स्ट्रेंथ्स को समझो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। एक एग्जाम आपने नहीं करा, नहीं करा, आपको डिफेंस ज्वाइन करना है ना, आप बोलो मैंने एफ कट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो कर लिया तो अब आगे एस एस बी क्लियर करके और अफसर बनो आप। और अगर एयरफोर्स में नहीं जाना था तो एफ कट क्यों दिया, अगर सिर्फ आर्मी में ही जाना था तो आर्मी एयरफोर्स नेवी सारी सर्विसेज अच्छी हैं, जो आपको चुनती है और जो आपको रेस्पेक्टफुली बुलाती है आप वहाँ जाओ और ज्वाइन करो। एक पॉइंट तो ये रह गया, आप इस टेंशन में जाते हो कि मैंने सी डी एस क्लियर नहीं करा, तो भाई एफ कट तो करा है ना, तो उसमें मेहनत करो, एसएसबी की तैयारी करो, बिकम एन ऑफिसर। अब रही बात सीडीएस रिटर्न तैयार करने की, तो आप अपने वीक एरियाज देखो कहाँ पर है, क्या वीक एरियाज है, ग्रुप स्टडी करो, फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ डिस्कस करो, कलेक्टिवली बैठो, और अगर उसके बाद भी आपको नहीं लग रहा है तो आपको जहाँ लगता है कि यहाँ पर सही गाइडेंस मुझे मिल जाएगी वो गाइडेंस लो। और सेम इज़ फॉर एसएसबी आल्सो, अगर एसएसबी आप इतने दे चुके हो या नहीं दिए मुझे नहीं पता इससे, और अगर नहीं सक्सेस मिली है तो आप एफर्ट कर रहे हो लेकिन डायरेक्शनलेस एफर्ट है, और डायरेक्शन अगर है भी तो फिर उतना फोर्स नहीं है कि आप उस गोल तक पहुँच पाओ। देखो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप एक स्टेयर केस पर खड़े हो या तो, और आप ऊपर नीचे 100 बार आप चले गए, लास्ट में पसीना पसीना हो गए, थक गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो इट इज नॉट हार्ड वर्क अलोन, एक मैदान में आप गोल 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 चक्कर लगाते जा रहे हो, 100 चक्कर लगा लिए, लौट के फिर वहीं पर आ गए जहां से स्टार्ट करा था, मेहनत तो खूब करी, थक गए, पसीना पसीना हो गए, तो डायरेक्शनलेस एफर्ट इज ऑफ नो यूज, यू विल नॉट रीच द डेस्टिनेशन, यू विल नॉट रीच योर गोल। गोल 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 चक्कर जिसको बोलते हैं ना, कोल्लू का बैल, डिस्टेंस कवर्ड इज 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो वर्क डन इज 0 और आप तो पसीना पसीना हो गए। तो डायरेक्शन लेस एफर्ट मत करो, अगर आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है
तो फिर जो एक्सपर्ट हैं, जिन पर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है आपका, वहाँ से गाइडेंस लो और फिर आगे बढ़ो। तो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द 3 क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। बाय बाय।